सागर एमपी से अंजलि गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। जी अंजलि, आपका सवाल क्या है? जी चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे हैं। एज क्या है आपकी? हमारी एज है 20, अभी हुए नहीं है 20 के पूरे। ठीक है ठीक है जी। ठीक है बेटा, देखिए अभी मैं जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो एक और बच्चे का फ़ोन आया था जिनकी उम्र 14 साल थी, आपकी 20 साल है, 20-22 साल तक ये परेशान करते हैं मुहासे, और लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, आसानी से ठीक भी हो सकते हैं आप। वो नुस्खा मैंने बताया था कि एक आता है सफ़ेद गौंद मोरिंगा, याद रखें सफ़ेद वाला लेना है, सफ़ेद गौंद मोरिंगा लें, खाली 100 ग्राम खरीद लें काफ़ी होगा आपके लिए, आधा ग्राम रोज़ाना, ये रॉ मटेरियल है, पानी में मिला के आधा ग्राम रोज़ाना पी लिया करें, आपके मुहासे को ख़त्म करता है ये, चेहरे पर शाइनिंग लाता है, थोड़ा सा गोरा भी कर देता है और थोड़ा रंग निखार देता है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, कद भी बहुत बढ़ता है, ये आप ले सकते हैं, आपको फायदा मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, हमारे साथ एमपी से हैं उमाकांत जी, स्वागत है आपका। ये क्या है, मेरे पिताजी को बात की परेशानी है, घुटने उठने दर्द करते हैं। एज क्या है उनकी? ये 55 के समथिंग। ठीक है। अच्छा देखिए, इस उम्र में दर्द होना संभाविक है, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये उम्र की इस दहलीज पर जब हम पहुंचते हैं तो सबको दर्द होता है। आपके पिताजी का बहुत अच्छा ही है कि उन्होंने आपसे शेयर कर लिया, क्योंकि आप उनकी अच्छी औलाद हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों से तक से नहीं कहते, क्योंकि उनके औलाद उन पर तवज्जो नहीं देती। उन पर पूरी तवज्जो दीजिए, या तो आप उनको कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खिलाएँ, नाश्ते और खाने के बाद कैप्सूल टी केयर, और अगर एक महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो आप 3-4 महीने खिलाना, ताकि फिर जीवन में दोबारा ये मर्ज ना लौट सके उनके। या फिर आप एक गौंद आता है, गौंद स्याह नाम से, यानी काला गौंद, ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए, असली लेना ज़रूरी है, नकली काफ़ी मिलता है, ये जायके में कड़वा और देखने में ब्राउन, और ये काला गौंद इसे कहते हैं या गौंद स्याह हम लोग कहते हैं, ये मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम उन्हें खिलाएं, इससे भी आपके पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं यूपी से, सरला गुप्ता जी स्वागत है आपका। नमस्कार, जरा बेबी से बात करना चाहती हूँ। जी सरला जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। बेबी ऐसा है, मैं 78 की एज है मेरी, और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जबरदस्त शिकायत है, 10 महीने से दवाई खा रही हूँ और मेरा गला बहुत गर्म मार रहा है, और मैं दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर की 10-12 दवाइयाँ खा रही हूँ, ब्लड प्रेशर, थायराइड और ये आपकी सांस फूलने की, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से परेशान हूँ मैं, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए आप जो गर्म भी ना हो और मुझे कुछ फ़ायदा हो। ठीक है सरला जी, एक ऐसा ही नुस्खा है, और ये जितने रोग हैं आपको फ़ायदा हो सकता है, इन सब में एक एक करके इलाज कर लीजिए। सबसे पहले पेट का इलाज करिए, उसमें फ़ायदा होगा तो आपको विश्वास भी हो जाएगा, फिर दूसरे नुस्खे पूछ सकते हैं, एक साथ बताऊंगा तो सब उलझ के रह जाएंगे, हो सकता है गलती कर दे, तो एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप लिखें और ये इस्तेमाल शुरू करें। देखिए आंवला ठंडा है, 200 ग्राम लीजिए, आंवला सूखा हुआ मिलता है, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम सौंफ, ये भी ठंडी है, ये 200 ग्राम लीजिए, और 200 ग्राम धनिया, ये भी ठंडा है, 200 ग्राम लीजिए, और मेथी 200 ग्राम, ये थोड़ी गर्म है, लेकिन इनकी ठंडक के आगे ये सब खुद ठंडे हो जाएंगे, ये 200 ग्राम लीजिए, आंवला, धनिया, सौंफ, मेथी का दाना, और इनको पाउडर बना लें, और इसमें 100-150 ग्राम एक आता है जैतून का रसायन, ये भी ठंडा होता है, जैतून का रसायन
150 ग्राम लें और इसके साथ पाउडर बना दें। ये एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, छोटा चाय का चम्मच भर के लें, यानी 3-4 ग्राम एक टाइम में लेना है और 2 टाइम ले सकते हैं, पानी के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद, कभी भी लें। 2 टाइम लेंगे आपको पहले दिन से फ़ायदा शुरू होना मुमकिन है। और ये जो मटेरियल जितना मैंने बताया, ख़त्म होने से पहले आपकी समस्या का ख़त्म होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से अगले कॉलर हैं रवि सोनी, स्वागत है आपका। जी बताइए। हेलो। हाँ जी बैठ जी, नमस्कार जी। आदाब रवि जी, बताइए क्या सेवा है। अरे रवि मेरा लड़का है, मैं कृष्ण कुमार सोनी बोल रहा हूँ, उनके पिताजी हूँ। अच्छा अच्छा सोनी जी बताइए। अरे डॉक्टर साहब, मैं लगभग 28-30 साल से गैस कोलाइटिस से परेशान हूँ। ठीक है। और लेकिन होम्योपैथिक इलाज किया था तो लाइटिंग से चिकनापन आओ तो गायब हो गया है, लेकिन पेट गैस नहीं खुलती है ना पेट साफ होता है। तो आपकी मैं टीवी पर सुनता रहता हूँ, तो मैंने ये धनिया, सौंफ, सोठ, अजवाइन, जीरा और ये जो है वो जैतून का नमक नहीं मिला तो हमने उसमें काला नमक डाल करके यूज किया, और अलसी भून करके वो खाता हूँ, और जैतून की सिरका की 4 बोतलें मंगाई वो भी पीता हूँ, और मुझे शुगर भी है। ठीक है, बताइए कुछ फायदा शुरू हुआ, कब से ले रहे हैं? हम 23 सितंबर से ले रहे हैं, जैतून का सिरका 4 बोतलें मंगाई थी आपके वहाँ से। अच्छा। हाँ, उससे पेट भी अब साफ होता है। और हमें दिल्ली गए थे 4 तारीख को अभी, तो 7 को वापस आए, उसके बाद हमारे कल लाइटिंग होने लगी, लेकिन खैर हमने फिर ये सब गुड़ भूसी और दही खाई तो लाइटिंग तो बंद हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि गैस कोलाइटिस की वजह से हम पैदल चलते हैं तो हमारे सीने में गले तक लगता कोई चीज भरी जा रही, रुको रुको नहीं तो फट जाएगी, हाथों में आ जाती थोड़ी थोड़ी जगह पर, रुक जाते हैं, गायब हो जाता है, फिर चलते हैं फिर मालूम पड़ता है, ना उलझन होती, ना घबराहट होती, ना पसीना आता है। हार्ट भी चेक कराया, बीपी भी चेक कराई, सब सही निकला। ठीक है, देखिए वो नुस्खा तो आपको काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपने काला नमक डाल लिया उसमें, तो उसमें नमक जैतून आपको डालना है, और उन्हीं लोगों को ऑर्डर दे दीजिए नमक जैतून का जिनसे आपने ये सिरका मंगाया जैतून का, इसमें 150 ग्राम मिला दें और वो बाकी चीज़ें 200 ग्राम लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। इसमें मेथी भी डालना है, मेथी ज़रूर मिलाना, और आप पूरे ठीक हो सकते हैं, और पहली खुराक से ही आपको फ़ायदा शुरू होगा अगर नमक जैतून आपने मिलाया। ये आपको तमाम रोगों को, पेट के और एसिडिटी, गैस और लीवर, किडनी की सबकी धुलाई करता है, मजाई करता है, और फिर आप बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर छत्तीसगढ़ से हैं, स्वागत है आपका, नाम क्या है? मैं ईश्वरी लाल यादव। जी ईश्वरी लाल जी, आपका सवाल क्या है? मैम क्या है, मेरे पेट में कुछ भारी भारी लगता है, पेट में राइट साइड कमर से पेट के बीच कुछ जैसे फूल रहा हो उस ढंग से, और क्या शरीर में कुछ जलन सा महसूस होता है। एज कितनी है आपकी भाई? मेरा एज है सर रनिंग 58। ठीक है, तो देखिए आसानी से ठीक हो सकते हैं, ये शुरुआत हो गई है इस उम्र में, हमारे पेट में और जोड़ों में, नसों में, आंतों में, मैदे में परिवर्तन आता है, इसकी वजह से ये होता है। और आप अगर चाहते हैं कि ये सब आपका पहले जैसा चलता रहे तो सौंफ धनिया मेथी का दाना और आंवला सूखा हुआ, ये 200 ग्राम खरीद लें, और जैतून का नमक आता है, नमक जैतून, ये देखने में नमक जैसा होता है, जायके में नमकीन नहीं होता, ये दुनिया की कीमती चीज़ों में से है, इसे रसायन जैतून भी कह सकते हैं। ये 150 ग्राम और बाकी चीज़ें 200 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह, एक चम्मच खाएं,
और देखिए फ़ायदा तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसको खाते रहें जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, ताकि आपको दोबारा ये बीमारी ना लौट सके। जी नेक्स्ट कॉलर हैं राधेश्याम जी, एमपी से स्वागत है आपका। जी मैडम बताइए, प्रश्न करिए। जी मैडम जी, क्या मेरे यहाँ पिताजी को उम्र 65 करीब है, उनको हमने क्या है डॉक्टरों से इलाज भी करवाया, मगर उनके फेफड़ा में गड़बड़ी बताता है डॉक्टर। फेफड़ों में जी जी कब ज्यादा बनता है मैडम जी, और प्रश्न कर रहा हूँ मैडम जी, क्या है उनको फेफड़ों में शिकायत है। क्या होता है, खांसी आती है, कफ आता है, क्या होता है? देखिए इस वक्त में फेफड़े के मरीजों को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। जिनको भी फेफड़े में प्रॉब्लम है या कफ की प्रॉब्लम है या छींकों की या खांसी की, उन्हें विशेष ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि देश में महामारी अपने शबाब पर है। और ऐसे लोगों को जिनको प्रॉब्लम है या जिनको नहीं है, उन्हें भी एक दवा मैं बताने जा रहा हूँ, वो लेना चाहिए ताकि इम्यूनिटी बढ़ सके। इम्यूनिटी की एक दवा माजून आर केयर, सुबह एक चम्मच शाम एक चम्मच गर्म पानी से लिया करें, और जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 5-6 महीने खिलाएं, और निरोगी भी इसको लें तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना मुमकिन है। जी महाराष्ट्र से नेक्स्ट कॉलर है जयवीर पाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार बोलिए। मैडम जय वीरपन बोल रहा हूँ मैं, मेरा अनपढ़ मैडम ऐसे लाल लाल ए हो रहे, चट्टे हो रहे चेहरे पे। हाँ चेहरे पर अनपढ़ हो रहे मैडम। ठीक है, जिन लोगों को भी ये एलर्जी लाल लाल चकत्ते हमारी बॉडी पर हो जाते हैं या चेहरे पर, उनके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, वो आपके किचन में मौजूद है। ये जो खाने का सोडा होता है, मम्मी से पूछिए अपने या किचन के जो भी जिम्मेदार महिला हैं उनसे पूछेंगे खाने का सोडा कौन सा है, तो वो सोडा एक चुटकी में जितना आ जाए आप एक गिलास पानी में मिलाकर रोज़ाना एक बार पी लिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। चलिए, तो परेशानी आपको बड़ी ज़रूर लग रही होगी, क्योंकि वो आपके फेस पे आपके शरीर पे आते जा रही हैं, लेकिन उसके अपना लीजिएगा, आराम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई भी बात सुनने से दर्शकों आप लोग चूक जाते हैं तो परेशान नहीं होना है। हेल्पलाइन नंबर लगातार आप लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अच्छे से इत्मीनान से डिटेल में, क्योंकि वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम होती है, मेल फीमेल दोनों डॉक्टर होते हैं, आप निसंकोच उनसे बात कर सकते हैं, अच्छे नुस्खे आप लोगों को बताए जाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट आप लोगों को बताया जाएगा, जो सीधा हकीम साहब द्वारा ही डॉक्टर्स तक पहुंचाया जाता है। बाकी लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। सृष्टि स्वागत है आपका, कहां से बात कर रही हैं? मैम नमस्ते, मैं यूपी के हरदोई जिले से बोल रही हूं। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैम मेरी उम्र 22 साल है, और मैम मुझे ये पूछना था कि मुझे पेट में काफी प्रॉब्लम रहती है और गैस की भी काफी प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी हजम नहीं होता, कुछ भी ऑयली फूड या कुछ भी। ठीक है, हाँ बहुत कम उम्र में आपको ये परेशानी हो रही है, अपना बहुत ख्याल रखिए, और 5 बार गर्म पानी पिया करें, गर्म जितना गर्म आप पी सकते हैं 5 बार पिया करें, इससे भी आपकी परेशानी ठीक हो सकती है। दिन भर में 5 बार गर्म पानी, खूब गर्म, ठीक है, और वैसे तो इसी से ठीक हो जाना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं हो रहा ठीक, कुछ कम फ़ायदा हो रहा है या जल्दी फ़ायदा चाहती हैं, तो सौंफ, धनिया, आंवला, मेथी, ये सबको हम वजन लें, जैसे 100-100 ग्राम लेना है तो सबको 100-100 ग्राम लें, पाउडर बनाएँ और आधे से एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लिया करें गरम, तो इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है।